जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मगर त्रासदी और विडंबना यही है कि बोल ही तो दबा दिए गए हैं, और मैं बात कर रहा हूं असम की जनता के बोल। तो नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में भी पारित हो गया, और मैं जानता हूं कि आपके जहन में एक सवाल होगा कि अब इसका परिणाम, इसके नतीजे क्या होंगे। आज मैं आपके सामने एक एक करके कल के दिन भर के घटनाक्रम पर क्या क्या हुआ उसके आधार पर आपको बताने वाला हूं कि भविष्य में क्या होने वाला है। सबसे पहले इसकी नींव रख दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में। इस बैठक से उठकर एक आवाज आई थी, आवाज किसी और की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, और इसमें प्रधानमंत्री को यह कहते हुए बताया गया था कि विपक्ष जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर बिल्कुल पाकिस्तान की जुबान में बात कर रहा है। बात यहां नहीं रुकी। कल जब राज्यसभा में अमित शाह बयान दे रहे थे, आखिरी भाषण उनका था, तब उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए क्या कहा आप खुद सुनिए, और यहां पर फिर पाकिस्तानी एंगल लाया गया, सुनिए। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बयान दिया है और आज जो इस सदन में बयान दिए हैं वो एक समान है, एक समान है। एयर स्ट्राइक के लिए जो बयान दिए गए, एयर स्ट्राइक के लिए वो और कांग्रेस के नेताओं के बयान एक समान है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि ये निहायत ही कमजोर, निहायत ही आलसी और नफरती सियासत तो है ही। आलसी इसलिए कि जब इस सरकार के पास कुछ कहने को होता नहीं तो वो ले दे के पाकिस्तान के शरण में चले जाते हैं। मगर ये हास्यास्पद नहीं है दोस्तों, इससे एक बहुत ही गंभीर बात जुड़ी है और आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना होगा। इसको समझने के लिए आपको गौर करना पड़ेगा कश्मीर और कश्मीरियों पर। आपको पुलवामा हमलों के बाद याद है किस तरह से लखनऊ में कश्मीरियों को बेरहमी से पीटा गया था, बेवजह पीटा गया था। इस सरकार के अंधभक्त सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के उन्हें पीट रहे थे। मेरी चिंता क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने तो अपनी तरफ से कह दिया कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहा है वो पाकिस्तानी है या पाकिस्तान की जुबान में बात कर रहा है। इस वक्त पूरा असम और पूर्वोत्तर का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़कों पर है। मेरे दो सवाल यहां पर, पहला सवाल आपसे ये कि क्या आप अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली असम के जनता को भी पाकिस्तानी परस्त बता रहे हैं? बताइए, क्या आपने पूरी पूर्वोत्तर की जनता को पाकिस्तान की तरफ ढकेल दिया? बात वो भी नहीं है दोस्तों, बात कुछ और है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी ये बात गलत साबित हो। मुझे डर कुछ और है। डर यह है कि दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर तर्क आ रहे हैं, जिसमें इस बिल के विरोध करने वालों को पाकिस्तानी परस्त बताया जा रहा है, आने वाले दिन में मुझे डर इस बात का है जब एक आम असमीज, असम का रहने वाला व्यक्ति भारत के अन्य इलाकों में जाएगा और उसका सामना इस पार्टी के अंधभक्तों के साथ होगा, तो कहीं उसको भी पाकिस्तानी तो नहीं बताया जाएगा? कहीं उसको भी बिल्कुल उसी तरह से टारगेट तो नहीं किया जाएगा जिस तरह से हमारे कश्मीरी भाई बहनों को किया जाता है? क्योंकि आप कश्मीर को तो अपना अभिन्न अंग बता देते हैं, मगर कश्मीरियों की तरफ हिकारत भरी नजरों से देखते हैं, नफरत भरी नजरों से देखते हैं। मुझे डर इस बात का है, क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि कोई भी ये डिजर्व नहीं करता है, कोई भी ये डिजर्व नहीं करता है कि उसको इस तरह से पाकिस्तानी बताया जाए। दोस्तों, कल एक बार फिर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मान लिया ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों। क्या यही बात आप अपने समर्थकों को बता रहे हैं, खासकर उन अंधभक्तों को? बताइए, क्योंकि चाहे अखलाक हो ये शख्स, चाहे तबरेज अंसारी हो, पहलू खान हो, इन्हें भी सरकारों ने नहीं मारा था। यकीनन इन्हें सरकार की जो उदासीनता है उसने जरूर मारा था,
और उनकी मौत के बाद उनके परिवारों को जिस तरह से टारगेट सरकारी उदासीनता ने किया था, उन्होंने मारा था, उन्हें मारा था आपके अंध समर्थकों ने, उसमें दो राय नहीं है। मगर मुद्दा यहां पर यह है कि आप जिस तरह की बातें करते हैं, आपके समर्थकों में जिस तरह का संदेश जा रहा है, मुझे चिंता उस बात की है। मगर दुख की बात है दोस्तों कि इस बात को कोई नहीं समझ रहा है। आज पूरे असम में इंटरनेट बंद है। मैं आज जो कार्यक्रम कर रहा हूं शायद उन तक पहुंच भी ना रहा हो, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कश्मीर में इंटरनेट बंद रहा है, और उसे सामान्य बता रहे हैं इस सरकार के बड़े बड़े दिग्गज। यानी कि अब नया नॉर्मल क्या है, नया सामान्य कहा है क्या है, जहां पर इंटरनेट बंद होगा, जहां पे कर्फ्यू लगा होगा, जहां धारा 144 लगा होगा, इसे अब हम एक नया नॉर्मल बता रहे हैं, एक नया सामान्य बता रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं इसे जोड़कर देखना होगा एनआरसी के साथ, नेशनल रजिस्ट्री फॉर सिटीजन्स। यानी कि आप देश के नागरिक हैं, उसके प्रमाण आपको देना पड़ेगा, जो पूरी एक्सरसाइज असम में चली थी। क्योंकि अब यह सरकार यह भी कह रही कि हम इस पूरे देश में से लागू करेंगे। आज की तारीख में मेरे जैसे जो हिंदू, खासकर फॉरवर्ड कास्ट हिंदू, ये सोच रहे हैं कि साहब मुसलमान को होश ठिकाने ले आए जाएंगे, जो अवैध नागरिक है वो बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मगर हां, बेवजह की असुविधा, इनकन्वीनियंस जरूर पैदा होगी। नोटबंदी याद है आपको? याद है कि भूल गए? याद है किस तरह से लाइनों में खड़े हुए थे? याद है हमको क्या वादा किया गया था? सिर्फ 50 दिन दे दो मुझे और मैं सब कुछ सुधार दूंगा। वो ऐतिहासिक शब्द याद है कि नहीं आपको? मगर नोटबंदी का दंश हम आज तक झेल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है। नोटबंदी से हम सब परेशान हुए थे, हम भी ये सोचे थे कि भविष्य में जाकर इसके कुछ अच्छे परिणाम होंगे। हम सब लाइनों में लगे थे खुश होकर कि सरकार ने जो किया सही ही किया होगा। उसी तरह से जब एनआरसी आएगा, और इस एनआरसी को आप सीएबी से, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से जुदा नहीं कर सकते, इन दोनों को आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। जब एनआरसी आएगा ना, जब आपसे कहा जाएगा कि आप अपने नागरिकता के सबूत दें, तो आप सिर्फ आधार कार्ड या पासपोर्ट लेकर नहीं पहुंच सकते, आपको बताना पड़ेगा आपके पूरे परिवार की, जो आपके दादा, आपके परदादा, उन सबका प्रमाण आपको देना पड़ेगा कि वो भारत में रहते थे। और ये अपने आप में आपके लिए कितनी जबरदस्त असुविधा पैदा करेगा। क्या आपके पास इसका वक्त है? आप तो अपनी रोजी रोटी के संघर्ष में जूझ रहे हैं, क्या इसका वक्त है आपके पास? और सवाल यह कि सीएबी हो या एनआरसी हो, इसके लिए पैसा कहां से आएगा भाई? तुम्हें लगता है कि अवैध प्रवासियों को, या जो अवैध ढंग से भारत में घुसाए, उन्हें हम डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे? हर राज्य को उसमें पैसा लगाना होगा। क्या केंद्र सरकार उसके लिए पैसा देंगे? आपसे इकॉनमी कंट्रोल में नहीं आ रही है और आप एनआरसी लाना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे गजब की बात यह है कि इस पूरे बिल के दौरान गांधी की बात की गई, गांधी की बातें की गई, मगर सोच की अगर बात करें ना, इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के पीछे सोच वही गोडसे और सावरकर की, इस दोहरे मापदंड से बाहर निकली। गांधी की बात मत कीजिए, यह कहीं ना कहीं गोडसे और सावरकर परस्त है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में भी पारित हो गया, और आप में से कई लोग ये कह रहे होंगे, खासकर जो इस बिल के विरोधी हैं, कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, और चूंकि यह असंवैधानिक है इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गिर जाएगा। मगर सुप्रीम कोर्ट में हाल ही के दिनों में कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसका कोई तर्क नहीं रहा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से आप बहुत ज्यादा आशावादी मत रहिए। मैं आज इस देश के विपक्ष को एक चीज कहना चाहता हूं, आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर आश्रित नहीं रहना है, आपको एक समानांतर संवाद बनाना है। और वो संवाद क्या होना चाहिए कि सत्ता पर ऐसी पार्टी आसीन है जो बुनियादी मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाना चाहती है। वो बुनियादी मुद्दे क्या हैं? शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, और इन तमाम मुद्दों पर यह सरकार फेलियर साबित हो रही है। आपको एक समानांतर सोच प्रदान करना पड़ेगा इस देश की जनता को, उसके बगैर यह चीज नहीं हो सकती है।
आपको बताना पड़ेगा कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की वजह से अंतरराष्ट्रीय तौर पर देश की किस तरह से नाक कट रही है। इसी असम में गुवाहाटी में 15 और 16 दिसंबर को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आने वाले हैं। आप खुद बताइए, गुवाहाटी में आके क्या समिट संभव है? क्या कर्फ्यू में शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे? और ऐसे में देश की क्या साख क्या बनेगी ऐसे में? दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से करीब एक हफ्ते पहले मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर एक कार्यक्रम किया था और मैंने कहा था कि इसके जरिए कहीं ना कहीं हम अपने मित्र देश बांग्लादेश के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, उसके लिए शर्मिंदगी पैदा कर रहे हैं। वही हुआ है एक हफ्ते बाद। उस कार्यक्रम में मैंने आपको क्या कहा था मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने क्या बयान दिया है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन हैं। बीबीसी की खबर है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो वे हिंदुओं के उत्पीड़न की बात कर रहे हैं वो गैर जरूरी और झूठ है। पूरी दुनिया में ऐसे देश कम ही हैं जहां बांग्लादेश के जैसे सांप्रदायिक सौहार्द है। हमारे यहां कोई अल्पसंख्यक नहीं है, हम सब बराबर हैं। एक पड़ोसी देश के नाते हमें उम्मीद है कि भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे हमारे दोस्ताना संबंध खराब हों। ये मसला हमारे सामने हाल ही में आया है, हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद भारत के साथ ये मुद्दा उठाएंगे। ये बात कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री कह रहे हैं अब्दुल मोमिन। दिक्कत क्या है दोस्तों कि आप बांग्लादेश के लिए ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, आप यह संदेश दे रहे हैं कि साहब देश में एक हिंदू राष्ट्र कायम होने वाला है और इससे बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी। जैसा आज से एक हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था, इसकी एक छोटी सी झलक देखिए। बांग्लादेश में एक बहुत मुश्किल संघर्ष चल रहा है। वहां की जो कट्टर इस्लामी जमातें हैं वो भारत की तरफ उंगली करके कहेंगे कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष क्यों बने रहें, भारत देखो किस तरह से बांग्लादेश को गाली देता है। यानी कि जिन लोगों को आप बचाना चाहते हैं बांग्लादेशी हिंदुओं को, उन्हीं को फिर ये इस्लामी टारगेट करते रहेंगे और इसकी ढेरों मिसालें हाल में सामने उभर कर आई हैं। यही नहीं दोस्तों, अमेरिका का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसकी जो विदेश मंत्रालय है, वो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर सवाल उठा रहा है। आपके सामने इस वक्त हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी का यह बयान, रिलीजियस प्लूरलिज्म जिसका मतलब है धार्मिक अनेकतावाद, इज सेंट्रल टू द फाउंडेशंस ऑफ बोथ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इज वन ऑफ आवर कोर शेयर्ड वैल्यूज। एनी रिलीजियस टेस्ट फॉर सिटीजनशिप अंडरमाइंस दिस मोस्ट बेसिक डेमोक्रेटिक टेनेट। यानी कि लोकतांत्रिक सेटअप में धर्म के आधार पर लाए गए बिल की कोई जगह नहीं हो सकती। यह चिंता कहीं और से नहीं बल्कि अमरीकी विदेश मंत्रालय की तरफ से आ रही है और मैं जानता हूं ये अंधभक्त क्या करने वाले हैं। मैं ये भी जानता हूं कि सरकार के जो गोदी मीडिया समर्थक है वो क्या करने वाले हैं। आपको याद है धारा 370 पे इसी तरह से हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी के सामने एक चर्चा हुई थी जिसमें आरती टिक्कू सिंह नाम की एक पत्रकार गई थी। वो बैठक खत्म होने के बाद जब ये मोहतरमा वापस आई तो ये बोलने लगी कि साहब पाकिस्तान के साजिश के तहत भारत को अपनी बात कहने की इजाजत नहीं मिली। मैं ये पूछना चाहता हूं, पहली बात तो आप वहां जाती हैं, भारत का पक्ष सलीके से रखना आपको आता नहीं क्योंकि आप आधी अधूरी तैयारी के साथ जाती हैं और फिर आप दोष पाकिस्तान पर मढ़ रहे हैं। और मेरा सवाल आपसे ये कि पिछले 5 सालों में हमने ऐसा क्या किया है, अगर मैं आपकी बात को सच्चाई मान लूं कि पाकिस्तान की साजिश के तहत हमें अपनी बात कहने की आजादी नहीं मिली, तो हमने ऐसा क्या किया है कि पाकिस्तान की बात अब चलने लग गई अमरीकी विदेश मंत्रालय में? तो मैं जो बात आपसे कह रहा था कि इनमें से ऐसे कई लोग हैं अब यह कहेंगे कि अमरीकी विदेश मंत्रालय के इस बयान के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है। इन लोगों के हर मर्ज का जो इलाज है, हर बीमारी का इलाज पाकिस्तान है। बधाई बधाई हो, तुम धीरे धीरे उसी पाकिस्तान की राह पर चल पड़े हो।
जी हां, उसी पाकिस्तान की राह पर चल पड़े हो। और आज मैं असम की जनता से भी कुछ कहना चाहता हूं। आज आप लोग सड़कों पर हैं, तस्वीरें लगातार सामने उभर कर आ रही हैं, डिब्रूगढ़ से, असम से, बंगईगांव से, हर जगह से इस तरह की तस्वीरें। असम के करीब कहा जा सकता है 10 जिले हैं जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। ये तस्वीरें उसका प्रमाण है। आज आप नाराज हैं, मगर अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। यह है बीजेपी का मैनिफेस्टो दोस्तों। इस मैनिफेस्टो में साफ तौर पर लिखा गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू होगा अगर हम सत्ता में आए। फिर से आपने तो छप्पर फाड़ सीटें दी थी बीजेपी को, फिर आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? आगे से जब भी वोट दें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो को जरूर पढ़ें कि वो क्या कह रहे हैं। और बात वो नहीं है दोस्तों, मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब इस सरकार ने, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि इस सरकार जो है वो शिक्षा, इकोनॉमी, इन तमाम चीजों को भूलकर इन तमाम मुद्दों की बात कर रहा है। यकीनन वो ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इकोनॉमी कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं है, अर्थव्यवस्था में सुधार लाना उनके बस की बात नहीं है। सरकारें तो ऐसा करती ही हैं, मगर आपको समझना होगा, आपको सरकार के मंशा के पीछे के मुद्दों को सवाल उठाना पड़ेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में पर्सिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज लिखते और कुछ नहीं लिखते, यानी कि प्रताड़ित की जा रही धार्मिक अल्पसंख्यक ही लिखते। आपको कोई जरूरत नहीं था लिखने का हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, क्योंकि जब आपने मुसलमान शब्द निकाल लिया तो आपकी मंशा पर इसी वजह से सवाल हो रहा है। हम सब जानते हैं कि मुसलमान यहां आकर शरण नहीं लेगा। इस बिल का जो है निशाना वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश नहीं है। जब हम मुसलमानों की बात करते हैं तो इस बिल का निशाना भारत है। आप इस बिल के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं अपने कट्टर समर्थकों को, देखो इनको हम ठिकाने लगाएंगे। मगर यकीन मानिए दोस्तों, मुझे इस देश के मूल्यों में विश्वास है, मुझे इस देश की सकारात्मक सोच पर विश्वास है, और देश की सकारात्मक सोच जो है वो मुझे निराश नहीं करेगी, मुझे कतई निराश नहीं करेगी। बहरहाल आप सबसे अपील की इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।